ये है विश्व का प्रथम ऐसा मंदिर जहाँ सूर्य की पहली किरण जो सूर्य की जो प्रतिमा है उसमें पड़ती है। जय सूर्यदेव। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ऐसा है कि ये सब लोग आए हुए हैं और सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं कि हमने घूमने के लिए जाना है और कसम से ये दस बज चुका है। कोई कहाँ है, इनकी ड्रामबाजी चल रही है। अब कब तक हम घर से निकलेंगे कोई पता नहीं है। दिखा रहा हूँ इनको, ये अभी खाना, ये खाना चल रहा है इसका, ये बैठी हुई है, ये टॉनी जैसा पता नहीं क्या खिला रही जने। जीजाजी को भी नींद आ गई है, ले बैठे बैठे हैं, वाकई में नींद आने लग गई है। जल्दी करो, अभी दो और हैं, दो कहाँ हैं वो, जल्दी कर दो यार, फटाफट घूमने के लिए जाना है। आज हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर कटारमल। तो जब सूर्य उदय हो गया था तो उसका काम रोक दिया गया था, तो उसमें ऊपर से छत नहीं है, आधा अधूरा ही बना हुआ है वो, तो उसकी एक स्टोरी है। तो अभी जब मैं वहाँ जाऊँगा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये उठें तो सही, ये उठ नहीं रहे हैं, जल्दी करो भाई। दोस्तों 10:30 हो चुका है और हम यहाँ से निकल चुके हैं कटारमल सूर्य मंदिर। ठीक है, बने रहेगा वीडियो में, अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दें। तो इस बीच में देख रहा हूँ कि मैं लगातार इधर वीडियो डाल रहा था, तो आप लोगों का प्यार काफ़ी मिला और ऐसे बनाए रखिएगा अपना प्यार। आप देख रहे होंगे ये हम पहुँच गए हैं अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल वाली रोड, ये सीधे यहाँ से हम निकलेंगे कोसी। तो हम पहुंच चुके हैं ये कोसी वाली रोड में और यहाँ से सीधे नीचे कोसी। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं ये कोसी की मार्केट, और ये जो अपना सूर्य मंदिर है ये अल्मोड़ा जिले के से 18 किलोमीटर आगे है। कोसी से थोड़ा सा आगे चल करके हम पहुंचे डायवर्जन रोड में, एक रोड चले गया ये नीचे वाला, तो हमको जाना है रानीखेत रोड। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर में सूर्य मंदिर कटारमल है। ये हम अब ऊपर वाली रोड में, ये गेट देख रहे होंगे आप, सूर्य मंदिर कटारमल। तो फ्रेंड्स अब हमें ऊपर वाली रोड में निकल चुके हैं कटारमल की। तो मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है सूर्य मंदिर, पहुँचते हैं। हम वहाँ पहुँचे हैं कटारमल छोटी सी मार्केट पे जहाँ मंदिर है। तो फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा ट्रैकिंग का रास्ता है, मात्र 200 मीटर की दूरी पर मंदिर है, तो हम निकल पड़े हैं। ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पर, ये देखिए सरकार की ओर से यहाँ पर जो सौंदर्यकरण किया गया है और ये जो रास्ता तैयार किया गया है काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरी फैमिली बिल्कुल हंसते खेलते हुए जा रही है, फुल एंजॉय के साथ। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर प्रवेश द्वार, एरो का निशान आगे को लगा हुआ है, तो आगे को चलते हैं। ये सूर्य मंदिर कटारमल पहुंचने वाले हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये है मंदिर का मुख्य द्वार, तो अभी हम अंदर चल रहे हैं, तो ज़रा अंदर चल के पता किया जाए क्या इसकी कहानी है, क्या है, कैसा है करके। जैसा हमने तो फ्रेंड्स मैं अभी पहुंचा हूं कटारमल, सूर्य मंदिर जो है हमारा है वो अल्मोड़ा जिले पे है, तो मैं अभी सूर्य मंदिर पहुंचा हूं कटारमल पे।
तो यहाँ पर करते हैं। मेरे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे, भीम सिंह बिष्ट जी हैं, तो उनसे पूछेंगे इस मंदिर के बारे में कि क्या यहाँ की कहानी है, क्या है, कैसा है करके। क्योंकि कहानियाँ कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर मंदिर में सेवा देते हैं। तो वी जी कुछ बताएंगे आप? नमस्कार सर, ये है कि ये हमारा भारत का सबसे विश्वविख्यात कहने में दो मंदिर का फेमस है ना, हमारे सूर्य मंदिर। तो एक हमारा उत्तराखंड का, उत्तर भारत का पहला मंदिर है सूर्य भगवान जी का। ये मंदिर बट आदित्य के नाम से जाना जाता है। और फिर ये दक्षिण भारत उड़ीसा में कोणार्क मंदिर, ये भारत के सबसे विश्वविख्यात मंदिर है। मगर आर्यवर्त में ये सबसे प्राचीन मंदिर माने गए हैं, भगवान सूर्यदेव का कटारमल और जम्मू कश्मीर माता। ये दो मंदिर सबसे प्राचीन काल के हैं। जम्मू कश्मीर कौन सा है? मार्तन, मार्तन ना। और जो उड़ीसा वाला मंदिर है ये इनके बाद के बने हैं। कटारमल मंदिर उड़ीसा से 200 साल प्राचीन है, कटारमल का सूर्य मंदिर। और यहाँ क्या होना, सूर्यदेव की जो मंदिर जो बनाई है पूर्वाभिमुख है। जैसे स्पेशल रूप से भगवान सूर्यदेव प्रातः काल में सूर्यदेव ना हमारे पूर्व दिशा से दर्शन देते हैं, हमें पूरे संसार को उजाला देते हैं। तो भगवान सूर्यदेव के यहाँ पर पहली किरण की मूर्ति में सीधे भगवान जी की मूर्ति पड़ेगी, पहली किरण। ये पूर्वाभिमुख है, जैसे भगवान सूर्यदेव पूर्व से निकलते तो पूर्व डायरेक्शन को चेहरा है ना। फिर हिंदुस्तान का पहला मंदिर है जहाँ सूर्य पद्मासन में बैठे हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने हैं। यहाँ देश विदेश से लोग श्रद्धा भाव से माथा टेकने आते हैं, लोगों की मनोकामना अर्जियाँ सिद्ध होती हैं। तो विशेष रूप से सूर्य यहाँ आसन लगाए बैठे हुए भगवान जी की इधर पूरे 7 घोड़े सारथी अरुण पूरे 9 गरम के साथ बने हैं, जो वर्मा सूर्य की परिक्रमा ले रहे हैं। बीच में सूर्यदेव पद्मासन ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, हाथ में शंख चक्र हैं, कले की माला, कांगे कुंडल, जनेऊ। विष्णु रूप में भगवान सूर्यदेव विराजमान है ना, विष्णु के अवतारी हैं। उनके साथ भगवान विष्णु है, पद्मनाभ स्वामी, भगवान शिव विराजमान हैं, माता महिषासुर मर्दिनी विराजमान हैं, भगवान श्री गणेश हैं, राधा कृष्ण, श्री पार्वती, उमामेश्वर, दुर्गा माता और लक्ष्मी नारायण, समस्त आदिदेव विराजमान हैं। तो ये भारत का सबसे विश्वविख्यात मंदिर में से एक मंदिर है। फिर कहा भी ये भी जाता है, जैसे सूर्य की पहली किरण सीधे भगवान जी की मूर्ति में आती है, और जैसे सूर्यास्त के समय जम्मू कश्मीर जो मातंद मंदिर में उसको शाम के वक्त में किरने जाती थी। ये इस तरह का मंदिर का निर्माण किया गया था। सबसे पहली जो आएगी पहले, हाँ, पहली किरण इन मंदिर पहली किरण यहाँ आएगी कटारमल जी, और उसके बाद दूसरी जो, हाँ, जैसे सूर्योदय से पहली किरण जैसे भगवान जी की मूर्ति में आई, जब सूर्यास्त जो हुए जब सीधे उड़ीसा जी कश्मीर वाले मंदिर में शाम के वक्त में किरने वहाँ पड़ती थी। अब वो मंदिर तो ध्वस्त है, जम्मू कश्मीर वाला ना वो तो पूरा टूटा है मुगलों द्वारा। तो यहाँ पर भगवान सूर्य जो है बट आदित्य के नाम से फेमस है। बट आदित्य पीछे बरगद की पेड़ की लकड़ी में मूर्ति बनी है गर्भगृह के मेन मंदिर में, उन्हें भगवान आदित्य कहा गया है। ऋषि मुनियों द्वारा भगवान सूर्यदेव पर आह्वान हुआ था, दैत्यों का, राक्षसों का सर्वनाश हेतु, धर्म की स्थापना हेतु भगवान सूर्यदेव का स्थान पर आह्वान हुआ था। सूर्यदेव ने स्थान पर हमें दिव्य तेज दर्शन दिए थे। कितने साल पुराना है मंदिर? ये मंदिर तो वैसे देखा जाए तो मंदिर जो है हमारा मंदिर की जो नींव है ये तेरता युग की है, राम जी के समय की ना, रामायण काल की है। बाद में कत्यूरी राजवंशों ने इस मंदिर का निर्माण किया था, कत्यूरी देव कटारमल नरेश द्वारा। और वैसे कत्यूरी जो राजाओं का जो इतिहास है वो करीबन 1400-1500 साल प्राचीन का है, ये है ना। कि यहाँ पर सूर्य अपने भक्तों को यहीं पर विराजमान है, पद्मासन सूर्यदेव बना चलायमान के प्रतीक है, सूर्यदेव हर जगह दर्शन खड़े देते हैं चलायमान। ये पहला मंदिर है जहाँ सूर्य विराजमान है। सूर्य तो चलायमान होते हैं ना, तो इनके साथ समस्त आदिदेव विराजमान है। ये मंदिर जो है वो तो कुछ इसमें दो तथ्य है ना, बहुत से किंवदंतियाँ जो है कहते हैं कि मंदिर का निर्माण एक रात का है, सुबह होते ही राजा का काम छूट गया था ना, तब से मंदिर अर्धनिर्मित है, ये सब भी जो कहना है। तो उसमें कत्यूरी राजा का मंदिर एक रात रात के ऐसे हैं, बहुत ही कहते हैं, जैसे यहाँ पर है जागेश्वर है, बैजनाथ है, आदिबद्री है। तो कुछ कथाएँ ऐसे हैं कि जो कत्यूरी राजवंशों की एक रात की हिस्ट्री बताई गई है, ये चीज़ें है ना। मगर कहते हैं एक रात की वाली वो, हाँ, जो आप पूछ रहे थे एक रात में हमने सुना कि एक रात में मंदिर का निर्माण हुआ था, ये कि इसी मंदिर की नहीं, वो हर जगह मंदिरों की कहानियाँ हैं कि कत्यूरी जो राजवंश थे ये मंदिर का निर्माण अधिकतर रात रात में किया करते थे। जैसे ये हो गया जागेश्वर हो गया, बैजनाथ हो गया, दोरहाट हो गया, और ये क्या नाम है ये बैजनाथ जी, उनको भी ये कहा जाता आदिबद्री, उनको भी ये कहा गया कि ये मंदिर का निर्माण रात रात में हुए थे। कत्यूरी राजवंश जो थे बहुत ही अध्यात्म राजा थे, वो जैसे सोचते थे कि राजा का मंदिर बनाना है तो ये रात का टारगेट देते थे। जैसे उन्होंने यहाँ बनाया, सुबह होगी अग्रज सर्दी के नौले धर्मशाले बनाते हुए जनहित के कार्य करते हुए आगे को बनते गए राजा लोग, तो इन्होंने जनहित के कार्य किए, ऐसे भी कुछ कथाएं हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतनी अच्छी जानकारी मिली। क्या कहें, हाँ ना, सही बात, अच्छी बात।
सेतु की छाया में बैठा हुआ है। ये देखो बिल्कुल पैर तो जल रहे हैं। कसम से यार सूर्य मंदिर ही है, जिसे कहते हैं ना सूर्य, जो आग उगल ले, जो इसका जो फर्श है जो है, जो इसका ग्राउंड है जो है, ये पूरा बिल्कुल इतना तप रहा है कि पैर जल गए हैं, खतरनाक। का फोटो सेशन भी शुरू हो चुका है, तो ये है कि क्या कहते फेसबुक के लिए भी चाहिए ना, फेसबुक इंस्टाग्राम, तो बस दोस्तों मोबाइल क्या है, और उसके बाद इसमें जो डिलीट का ऑप्शन जो आया ना, हाँ इतनी फोटो खींच दी है, पता नहीं कितनी उन्होंने डिलीट कर दी है इसमें, और वो चल रहा है, खींच रहे हैं डिलीट कर रहे हैं, खींच रहे हैं डिलीट कर रहे हैं, ये चल रहा है। तो फ्रेंड्स हम अब यहाँ से निकल रहे हैं घर को, आप बताइए यार क्या वीडियो कैसी लगी, ठीक है? वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है? और देखो भी यार और शेयर भी करो। नहीं आप लोग वीडियो तो देखते हैं यार, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लो यार, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? मिलते हैं फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।